श्रीलंका सीरीज में लगी चोट से बिगड़ा संजू सैमसन का खेल। मौके की ताक में बैठे सिलेक्टर्स और बीसीसीआई ने फिर से संजू सैमसन के साथ की बड़ी नाइंसाफी। रणजी में 13 शतक लगाने वाले पृथ्वी की हुई T20 में वापसी, लेकिन संजू सैमसन को किस वजह से आगामी न्यूजीलैंड सीरीज से किया गया नजरअंदाज, इस पर बीसीसीआई ने पर्दा डाला हुआ है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर जमकर फूट रहा है फैंस का गुस्सा। बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी पर लग रहा है जातिवाद और राजनीति करने का गंभीर आरोप। तो आइए वीडियो में बताते हैं संजू के बाहर होने के बाद किस तरह आग बबूला होकर फैंस ने लगाई बीसीसीआई को लताड़। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर से बीते शुक्रवार आगामी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए वनडे और T20 टीम का ऐलान कर दिया गया। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा गठित की गई चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने दोनों ही टीमों का ऐलान किया है। जहां T20 में रोहित शर्मा और विराट कोहली की छुट्टी हुई है, वहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बिना पर पृथ्वी शॉ को T20 साइड में शामिल किया गया। हालांकि इन सबके बीच भारत के टैलेंटेड विकेटकीपर और फैंस के चहेते संजू सैमसन को एक बार फिर से अनदेखा कर दिया गया। अब आपको बता दें कि आखिरी बार श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में संजू ग्राउंड पर नजर आए थे, लेकिन पहले मुकाबले के बाद उन्हें चोटिल घोषित कर दिया गया था और पूरी तरह से सीरीज से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद से उनकी फिटनेस को लेकर बीसीसीआई का कहीं से भी कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया, और ऐसे में बिना किसी जानकारी के संजू सैमसन को टीम में सेलेक्ट ना करना और बार बार उन्हें नजरअंदाज किए जाने से फैंस बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हैं और आग बबूला हो उठे हैं, और सोशल मीडिया पर साथ ही बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी की जमकर क्लास लगा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तो ट्विटर के जरिए बोर्ड के ऊपर जातिवाद और पॉलिटिक्स करने का गंभीर आरोप लगाया, तो वहीं पर कुछ लोगों ने बीसीसीआई पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि उन्हें संजू से क्या दुश्मनी है, आखिर क्यों वो सिर्फ एक मुकाबला खेल कर ही बाकी सभी मुकाबलों में बाहर हो जाते हैं। कुछ संजू सैमसन के फैंस तो बीसीसीआई के इस फैसले से इतने टूट चुके हैं कि उन्होंने संजू को भारत छोड़कर दूसरे देश से खेलने की गुजारिश कर दी है, जबकि एक अन्य ट्विटर यूजर ने संजू को रिटायर तक होने की सलाह दे दी, क्योंकि उनके मुताबिक बीसीसीआई उन्हें टीम में लेना ही नहीं चाहती। गौरतलब है कि संजू सैमसन के अब तक के करियर में उन्होंने 11 वनडे मुकाबले 66 की औसत से 330 रन बनाए हैं, जबकि इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर दक्षिण अफ्रीका के घरेलू सीरीज में 86 नाबाद कर रहा है। इसके अलावा T20 में संजू 2015 से डेब्यू करने के बाद अब तक केवल 17 मुकाबले ही खेल पाने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्हें सिलेक्शन के दायरे से बाहर होता देख फैंस भी काफी ज्यादा आहत हैं। वैसे दोस्तों, आपके मुताबिक क्या संजू सैमसन की टीम में जगह बनती है या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।